सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित कुशवाहा। सो आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं TVS रेडर की। सो गाइस, मेरे को कई कमेंट आए कि आपके बाइक बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और जो उसका प्राइस है उसका आपसे वर्थ इट है या नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी आपके लिए, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि बाइक बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़े रिलेटेड होगी। तो गाइस, आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले बाइक को देखोगे आप कवर करके काफ़ी स्टार्टिंग से ही, तो आपको भी बाइक का लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस लुक में आप देखो एरोडायनेमिक शेप दे रखी है लुक में बिल्कुल आपको, और स्ट्राइकिंग रेड कलर में है और ये सबसे अच्छा कलर लगता है मेरे को। मैंने स्पेशली इसलिए बाय करी है बाइक, और स्पोर्टी बाइक बिल्कुल लगती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इतना। और आपका इसको काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसका टैंक जो पॉलीकार्बोनेट का मेटल का नहीं है तो उससे क्या होता है वेट कम होता है तो स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज होती है इससे। और अब इसकी नेक्स्ट फीचर में बात करते हैं, जैसे कि ये इसकी सीट है। आप इसकी सीट को देखोगे कुशन टाइप है बिल्कुल, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और जैसे बाकी बाइक से अपाची होगी, जो TVS की बाकी बाइक है उसे कंपेयर करोगे आप तो उसे काफ़ी बेटर सीट है, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। आप आराम से तीन को बैठा सकते हो उस पर, बट तीन को क्या होगा इसका जो नीचे का मेन स्टैंड है वो काफ़ी कई बार टच हो जाता है नीचे, तो उसमें कभी दिक्कत आती है, बट दो आराम से बैठ सकते हैं इसमें और काफ़ी कंफर्टेबल है। सो इसका नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। उसका नेक्स्ट फीचर आता है इस बाइक का एवरेज। आपको मेरी लास्ट वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है एवरेज की, दोनों टेस्ट में पावर में और इको मोड पे आप देख सकते हो और आप खुद ही पता लगाओ कि मैं किसके बारे बात कर रहा हूँ एवरेज के बारे में। आराम से मेरी बाइक 60-67 का एवरेज आराम से दे देती है 1 लीटर पेट्रोल में। और इसका नेक्स्ट फीचर आता है अब कि इसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। जो बाइक की बाइक है जैसे अपाची हो गया, आप कंपेरिजन और भी बाइक ले सकते हो जो इसका एग्जॉस्ट आपके देखते हो, जैसे यामा की काफ़ी FZ होती हैं तो उसमें आप एग्जॉस्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है, इसमें काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है इसका। और इसका जो एग्जॉस्ट की साउंड भी काफ़ी अच्छी लगती है, और जैसे आप मान लो कहीं साइड में बाइक जा रही होती है तो पता चलता है कि हाँ बाइक जा रही है, स्पोर्ट बाइक लगती है। और इस बाइक की अच्छी बात यह है कि 125 मॉडल जो CC बाइकें आती हैं उसमें सबसे टॉप मॉडल की बाइक ये है, और कोई बाइक इतना एवरेज नहीं दे रही है प्लस स्पोर्ट लुक के साथ। तो इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इस बाइक में जो आपका पीछे की सीट है उसके पीछे एक यहाँ पर स्पेस दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन ये स्पेस काफ़ी है, जैसे मान लो बारिश का टाइम है तो आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हो, वॉलेट रख सकते हो, तो प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक अच्छा फीचर है कि ये है कि इसमें जैसे मान लो आपको जो इसका स्विच बटन है ये काफ़ी फास्ट है, और ये इसका इतना क्विक है कि बहुत जल्दी काम करता है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको, चाहे आप सर्दियों में चलाओ चाहे गर्मियों में चलाओ कोई फ़र्क नहीं है इससे, और काफ़ी अच्छा काम करता है ये भी। अगला इसका एडवांटेज देखते हैं, इसका जो ब्रेक है डिस्क ब्रेक आगे के और पीछे का जो है इसका ब्रेक, और इसमें कॉम्बी ब्रेक भी आता है। ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसका, और आराम से आप जैसे मान लो फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको सडन ब्रेक चाहिए तो काफ़ी अच्छा ब्रेक लगा सकते हो। और कॉम्बी ब्रेक से क्या होता है, आप अगर इसका मेन ब्रेक मारते हो तो अपने आप आगे का ब्रेक 40% लग जाता है, जिससे आपके एक्सीडेंट चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसका नेक्स्ट फीचर आता है कि इस बाइक में जैसे आपको मेजर ये मीटर है आपका, इस मीटर में काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, इसमें RPM दिखाएगा आपको, जैसे आप शो कर देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारी टोटल कितना चली है बाइक यहाँ पे आपको दिखाएगा, स्टैंड आपके स्टैंड पे लगी हुई है, इको मोड में है, यहाँ पे पेट्रोल के आपके इंडिकेटर से सारे कि कितना पेट्रोल है इसमें। अभी मेरी बाइक रिजर्व पे है तो इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है, और सेकंड इसमें ट्रिप भी होती है, और ये आपका एक्चुअल मीटर होता है, मतलब लाइक इसमें इतना तो टोटल जितना चली है अब तक बाइक, और ये आपकी स्पीड दिखा रहे हैं यहाँ पे, RPM दिखाएगा, यहाँ पे हेलमेट का भी शो करता है जब बाइक ऑन करोगे, ताकि आपको सिक्योरिटी रीजंस के लिए ताकि हेलमेट पहन लेना चाहिए। रेंज है यहाँ पे एवरेज है, और यहाँ पे जैसे मान लो सेकंड सर्विस का टाइम आ जाता है तो यहाँ पे आपको आइकन शो करने लगेगा सेकंड सर्विस के लिए, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें ये भी। और इसमें एक और फीचर है कि इस बाइक के जो ब्रेक हैं वो बढ़िया ही हैं, और उसके बाद जो टायर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी जगह पत्थरों में चलाई है, रफ राइडिंग करी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे काम करते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मतलब ग्रिप नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलती है बाइक। और अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो कई इसमें मैंने 3 महीने अराउंड हो गए मेरे को बाइक के लिए हुए, तो इसमें कई डिसएडवांटेज मैंने देखी है बाइक में, कि कौन से बार बात करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है बाइक को लेने के लिए। पहला डिसएडवांटेज आता है इसका कि जैसे मान लो स्पोर्ट बाइक है और लुक इसका काफ़ी वैसा एरोडायनेमिक है स्पोर्ट बाइक है, तो क्या होता है कई बार जैसे आप गंदगी में चला रहे हो, किचन में चला रहे हो तो गंदी हो जाती है ना तो बाइक,
तो ये गंदी इतनी हो जाती है कि अलग दिखती है, हाईलाइट इतनी हो जाती है कि आप अगर कोई अराउंड कोई बाइक है और ये बाइक है तो इस पर अगर मिट्टी लगे तो आपको ज़्यादा शो होगी, काफ़ी अलग थोड़ा लगेगा, हाईलाइट हो जाती है और कोई इतना खास है नहीं इसमें। सेकंड आता है इसके मीटर में। मीटर में क्या होता है, जैसे मान लो कि पेट्रोल अगर आपका रिजर्व पे लग जाता है, मतलब कोई भी आप कहाँ पे शो नहीं कर रहा होता बाहर, तो क्या होता है रेंज यहाँ पे एक्यूरेट शो नहीं करता, और जबकि इसमें अराउंड 1.6 लीटर पेट्रोल अभी भी है फिर भी रेंज शो नहीं करता है, और कई बार तो इसके रेंज एक्यूरेट शो नहीं करता है, इसका एक ही फीचर है। और इसमें एवरेज भी कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है, मान लो अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चला रहे हो तो एवरेज बढ़ जाएगा, और आप जैसे मान लो आप स्पीड अप डाउन कर रहे हो तो एवरेज एक्यूरेट शो नहीं करेगा, बट काफ़ी हद तक एक्यूरेट शो करता है, लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है इसमें भी। और नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज आता है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या होता है, जैसे मान लो बहुत देर बाद चला रहे हो तो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर आवाज़ करने लगता है, काफ़ी जैसे टक 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 आवाज़ करने लगेगा। कई बार मेरे को रिव्यूज़ में बोला है कि भाई ये बाइक आवाज़ करती है, बाइक इसलिए आवाज़ करती है कैटालिटिक कन्वर्टर करता है क्या, पहले गाइस इसका फीचर सुन लीजिए। कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे मान लो जो हमारे फ्यूल में बर्न होता है उससे जो हार्मफुल गैस निकलती है उसे कैटालिट में कन्वर्ट करते हैं, तो कम टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए लगाया जाता है बाइक में। और मैं शोरूम पे गया था, उनसे पूछा था मैंने आवाज़ क्यों करता है, बोला भाई आवाज़ करेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको हटवाना है तो हटवा सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हार्मफुल आपके लिए होगा, वो आपका पोल्यूशन जो आपको बार बार करवाना पड़ेगा, तो इसलिए लगाया है बाइक आवाज़ करेगी। तो गाइस इतना तो चलता ही है क्योंकि साइलेंसर भी काफ़ी अच्छा है इसका, एग्जॉस्ट भी अच्छा है, तो डिसएडवांटेज चलता है इस बाइक में। अगला आता है इसका कौन कि इसमें जैसे कि चार्जिंग पोर्ट है, काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, लेकिन क्या दिक्कत आती है इसमें, आपको क्या हैवी फ़ोन है, आपके चार्जिंग केबल स्लो है या कुछ भी दिक्कत है तो इससे चार्जिंग स्लो होती है, बस इसका एक ही दिक्कत है, बाकी तो फीचर बढ़िया है ये भी, क्योंकि चार्जिंग का दे रखा है स्पेशली बाइक, बाइकों में नहीं होता ये। अगला इसका डिसएडवांटेज आता है कि जैसे मान लो उस बाइक पे आपने तीन बिठा लिए तो आपका वेट ज़्यादा हो गया इस पे, तो क्या होगा, जो उसका नीचे का मेन स्टैंड है ना वो नीचे ग्राउंड टच हो जाता है, अगर ब्रेकर पे ले जाओगे तो उसके मेन स्टैंड पे निशान पड़ जाते हैं, मेरी बाइक पे भी इसमें काफ़ी सारे निशान पड़ चुके हैं, तो इसका ही डिसएडवांटेज ये है। तो गाइस इतने डिसएडवांटेज इस बाइक में, और खास कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्ड क्वालिटी में कोई फ़र्क हो, नहीं, परफेक्ट बाइक है सर। और इसमें एक आपको एक फीचर बताता हूँ एक्स्ट्रा, कि जैसे मान लो आप लॉन्ग राइड पर ले जाते हो बाइक को तो 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर आराम से चल जाएगी, बीच में आपको बस 10-5 मिनट का ब्रेक देना होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी बाइक में, और लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है क्योंकि आपको सीट कंफर्टेबल मिलती है, आराम से राइड कर सकते हो 3-4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाइक राइड करने में। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक भी कर देना, और गाइस आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा बाइक बाइक करने लायक है या नहीं है, और जिसको बाइक से काफ़ी इंप्रेसिव है कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में, और आपका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो चैनल बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।